इन चारों बंडल में से आप लोगों के लिए कौन सा बंडल बेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं भाई। जो स्टाइल कैप्सूल के अंदर से आप लोग चार बंडल मिल रहे हैं, वो चार बंडल आप लोगों के लिए कौन सा बंडल सही है, कौन सा बंडल बेकार है, कौन सा बंडल आप लोग लेना चाहिए, यही मैं आप लोग आज के बताने वाला हूँ। कौन सा बंडल बेस्ट है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट बंडल चाहिए तो आप लोग वीडियो के अंदर बन रही है। वीडियो आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज्यादा यूज होने वाली है आपको। चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को बिना कोई टाइम वेस्ट के बताना शुरू करता हूँ। अब जैसे कि सभी लोगों को बताइए, फिफ्थ एनिवर्सरी इवेंट के जो रिवॉर्ड है उसके आधे से ज्यादा रिवॉर्ड जो हम लोग को मिलना स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत से लोगों तो रिवॉर्ड वगैरह जो है मिल भी करेंगे। बस कोई एक दो रिवॉर्ड रह चुके हैं, मतलब रह गए मिलना, बाकी वो भी हम लोगों को मिल जाएंगे कुछ ही दिनों में। अब हमारी बात आती है भाई, बस सारे सेक्शन भी यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक दो सेक्शन है, बस एक ही सेक्शन है हमारा लॉकड है, बस वो भी ओपन हो जाएगा अपनी 27 तारीख को। लेकिन बात आती है भाई, जो स्टाइल कैप्सूल के अंदर से हम लोग चार बंडल मिल रहे हैं ना, तो ये चार बंडल हम लोग को लेना चाहिए, मतलब मिलना मिलेंगे तो आप लोग चार बंडल ही, मतलब चार में से एक ही बंडल मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यार आप लोग चार बंडल देख रहे हो ना, इन चार में से आप लोग एक ही बंडल मिलेगा। अब जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, अब ये तो है नहीं है ना, ये जो भी चार बंडल या पांच बंडल आप लोगों को मिलते हैं वो पांचों बंडल आप लोगों को मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है। उनमें से कोई एक बंडल आप लोग सेलेक्ट करना पड़ता है या फिर उनमें से कोई एक बंडल आप लोग को अपने आप ही मिल जाता है, तो उसमें से आप लोग को एक बंडल जो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब कौन सा बंडल लेना चाहिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। हम पहले बात करते हैं मेल बंडल के बारे में। तो हमारा मेल आता है ये वाला एंड ये वाला। तो बात करें ये वाले बंडल की, तो इस बंडल को गाइस क्या ही बोलूँ, ये आता है हमारा फोर्थ एनिवर्सरी इवेंट के अंदर के। तो इस बंडल को इस आप लोग बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि यार फोर्थ एनिवर्सरी में आता है और ये बंडल सभी लोगों पे होगा। सभी लोगों पे क्या है, जो जो लोग फ्री फायर खेलते हैं उन सभी लोगों पे ये बंडल होगा, किसी कोई ऐसा बंडल होगा ही नहीं जिस पर ये बंडल नहीं है, सभी लोगों पर होगा। तो ये बंडल को आप बिल्कुल भी मत लेना। एंड बात करें अपना सेकंड मेल बंडल की, तो मेल बंडल है तो ये है हमारी सेकंड एनिवर्सरी पे आया था। तो भैया इसका क्या ही बोलूँ, तो ये बंडल तो ज़्यादा खास भी नहीं है। देखो आप लोग देख रहे हो ना, अभी तो आप लोग ऐसे देख पाएगा, बट जब आप लोग ये बंडल को लोगे तो आप लोग खुद क्या होगे, इसकी ना पैंट ठीक है ना कुछ भी अच्छा ही नहीं है यार, मतलब ज़्यादा खास भी बंडल नहीं है। तो इस बंडल को आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को लेना चाहो तो ले लेना, अगर आपको मेल के बंडल पसंद है और मेल के बंडल आपको पसंद है ठीक है, और आप लोगों को ये वाला बंडल है लेकिन ये वाला बंडल नहीं है, तो आप लोग ये बंडल को ले सकते हो, बट ऐसा खास भी नहीं है मगर आप लोग ले सकते हो ठीक है। एंड बात करते हैं अपने यहाँ पे फीमेल बंडल की। अब फीमेल बंडल का आता है तो वो है हमारा फीमेल बंडल का ये बच्चा एंड ये बच्चा। तो भैया बात करें अपन चैन चार जो दो बंडल बचे हैं फीमेल के, तो इन फीमेल के कौन सा बंडल लेना चाहिए। बात करें ये वाले बंडल की, तो ये बंडल आया था थर्ड एनिवर्सरी पे, यानी कि एक साल पहले हमारा बंडल ये आया था। तो ये बंडल के बारे में यार, ये बंडल बहुत से लोगों पे होगा भी एंड बहुत से लोगों पे नहीं होगा, क्योंकि यार थर्ड एनिवर्सरी पे आया था ना, तो इसलिए आप वो लोगों पर कुछ लोगों पर होगा कुछ लोगों पर नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को फीमेल के बंडल पसंद है आप लोगों को, तो ये बंडल ले सकते हो आप लोग, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, ज़रा अच्छा मतलब सही है, ज़रा ठीक ठाक है, ज़रा बेकार भी नहीं है, ज़्यादा खास भी नहीं है, बट ठीक ठाक बंडल है। तो अगर आप लोगों को फीमेल के बंडल पसंद है तो आप लोग ले लेना। वैसे ज्यादातर फीमेल के बंडल गर्ल्स को पसंद रहते हैं, तो अगर आप लोगों को गर्ल्स के बारे में अगर मैं एडवाइस दूं तो आप लोग ये बंडल को ले सकते हो, ये बंडल ठीक ठाक है, ज़्यादा खास भी नहीं है। एंड बात करते हैं भैया ये वाले बंडल की, तो ये वाला बंडल तो भैया पूछो ही मत, बिल्कुल पूछो ही मत यार, क्या ही बोलो इस बंडल के बारे में, ये अखंड लेजेंड बंडल है। कैसे वो आपको बता दूं, सबसे पहली बात ये है, ये जो बंडल है हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी का बंडल है। ये देखो नीचे, देखो नीचे फर्स्ट एनिवर्सरी बंडल है। तो कम से कम यार इस बंडल को 3 से 4 साल होगा यार, जब हमारा फ्री फायर गेम आया था, जब लॉन्च हुआ था उसके एक साल बाद ये बंडल आ गया था हमारे गेम के अंदर, तो फर्स्ट एनिवर्सरी का बंडल है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ सबसे बेस्ट बंडल है वो आप लोगों के लिए यही रहेगा। तो अगर आप लोगों को फीमेल का बंडल पसंद है, फीमेल में से आप लोग यही बंडल लेना। और अगर आपको रेल बंडल पसंद है रेयर, तो रेयर में से तो भैया ये बंडल बेस्ट है, बाकी सारे बंडल बेकार है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये बंडल के बारे में क्या बताया, तो ये बंडल तो यार आप लोगों को इसके अंदर मिल रहा है ना, अपने आप स्टोर सेक्शन के अंदर आप लोग जाओगे तो स्टोर के अंदर आप लोगों को ये बंडल मिल ही रहा है, तो उसके बारे में क्या ही बोलूँ मैं। तो हम बात कर रहे हैं अपने जो बंडल हम लोग को क्लेम करने पर मिल रहे हैं बॉक्स के अंदर से मिल रहे हैं, तो वो बंडल यहाँ पे ये है। अब सीधी सी बात यही है, अगर आप लोगों को मेल के पसंद है तो आप लोग ये ले लो। और एक बात मैं आप लोग और बता दूँ, मान लो इस आप लोगों पे ना ही ये है और ना ही ये है, तो आप लोगों को लेना ये वाला। और मान लो इस अगर आप लोगों पे फोर्थ एनिवर्सरी वाला बंडल है और ये वाला नहीं है सेकंड एनिवर्सरी वाला, तो अगर आप लोग ये वाला बंडल लेना और तभी लेना अगर आप लोगों को मेल के बंडल पसंद है। एंड बात करते हैं फीमेल के बंडल की, तो फीमेल का बंडल सबसे बेस्ट बंडल है वो यही है, तो फीमेल के बंडल में से आप लोग यही बेस्ट लेना। तो बस गाइस मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ, आप लोगों को जो बंडल लेना चाहिए सबसे बेस्ट बंडल है वो यही है, इसके अलावा कोई बंडल बेस्ट नहीं है। और मैं भी इसी बंडल को लूंगा, बाकी मिशन आप लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करते जाओ और आप लोग ये बंडल लेते जाओ। और जिन लोगों ने ये बंडल को पहले ले लिया है तो अच्छी बात है, बाकी जो मुझे पता चला था, जो मुझे बात थी मैंने आपको बता दी, और 3 दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि गाइस यहाँ पे एक दो दिन छोड़ के वीडियो आई थी ना, क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया था तो तबीयत थोड़ी ढीली थी। अभी कोल्ड है ऐसी बात नहीं है, अभी है तो, बट आप लोगों के लिए वीडियो तो बनाना पड़ेगा। बस आप लोग बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो नहीं
है ना, तो आप लोग पूछ तो ले करो कम से कम कार्तिक भाई क्या हो गया, जिंदा हो नहीं हो क्या है भाई, पूछ तो ले करो कम से कम। तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ, आप लोग पूछ ले करो यार, अगर वीडियो नहीं आती तो बस ऑडियंस अगर मतलब खुश रहेगी ना, ऑडियंस पूछेगी तो मेरे अंदर भी एक जोश बना रहेगा, आप इसलिए फटाफट से वीडियो डालते हैं। अगर पूछोगे नहीं आप लोग तो यार वीडियो डालने का मन भी नहीं करता, इसलिए कह रहा हूँ तो पूछ ले करो अगर वीडियो नहीं आती तो। और बाकी तो आपको बता दिए कौन सा बंडल बेस्ट है, मैंने आपको बता दिया है, आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अब तक कुछ बता चुका हूँ, तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में यार बेल नोटिफिकेशन वापस सेलेक्ट कर लेना, इसकी फ्री फैसिलिटी वैसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग हमारे चैनल पर डेली डेली मिलते रहे। और बाकी तो मैंने आप लोग सबको अच्छे बता दिया है। और हाँ गाइस यार, अगर आप लोग होमर करेक्टर के एंड कैंटर करेक्टर की एबिलिटी जानी है विद गेम प्ले टेस्टिंग के साथ, तो आप लोग ऊपर वाली वीडियो जरूर से क्लिक करके देख लेना। एंड उसके साथ गाइस अगर आप लोग अनलिमिटेड पिंक डायमंड चाहिए अनलिमिटेड, तो आप लोग नीचे वाली वीडियो जरूर से क्लिक करके देख लेना। चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।